खबर जहां पर पूजा के लिए दातुन तोड़ने भदैया कुंड गए मासूम को थाने में बंद कर दिया, पिता को संकटों में डाला। आपको बता दें कि अपराध करने से रोकने की बजाय इंतजार किया और जैसे ही फिर उन्होंने अपराध किया उसके बाद पकड़ कर थाने ले आए। मीडिया के पहुंचते ही बच्चे को बाहर किया और फिर बिस्किट दिलाए, लेकिन इस तरीके से एक बच्चे को थाने में बंद करना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। शिवपुरी में पर्यटक स्थल भदैया कुंड पर शनिवार को सुबह एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक महिला रेंजर ने शहर के लोगों के साथ मासूमों को अपराध करने के रोकने के बजाय अपनी आंखों के सामने अपराध करने दिया और पकड़कर सिखचों के अंदर डाल दिया। आपको बता दें कि करीब 5 घंटे तक उन्हें बैरक में रखने के बाद चालान काटा गया। उक्त युवक और मासूम बच्चा ऋषि पंचमी की पूजा के लिए दातुन तोड़ने गए थे। बच्चे को पकड़कर थाने लाने का मामला जैसे ही मीडिया के संज्ञान में आया तो उसे बाहर निकालकर बिस्कुट दिला दिए गए। दरअसल आज ऋषि पंचमी के व्रत और पूजा के लिए महिलाओं को जंगल में उगने वाली खरपतवार की आवश्यकता होती है। इसी खरपतवार की तलाश में आज शहर के लोग भदैया कुंड के आसपास गए थे। इन्हीं लोगों में नीरज सिंह सिसोदिया, ठाकुरदास शाक्य और उसका मासूम बच्चा राज शामिल था। नीरज के अनुसार जैसे ही वो भदैया कुंड पहुंचा तो वहां ठाकुरदास भी खड़ा था। पास में रेंजर मैडम की जीप खड़ी थी। करीब 10 मिनट तक हम वहां खड़े रहे तो किसी ने कुछ नहीं किया। इसके बाद हम दातुन की तलाश में बाउंड्री वॉल फांद कर अंदर जाने की कोशिश करने लगे तो मैडम और उनके ड्राइवरों ने हमें पकड़ लिया और वन थाने लाकर बैरक में बंद कर दिया। इस कार्रवाई से मासूम राज तक को अलग नहीं किया। जैसे तैसे मीडिया वहां पर पहुंची तो मासूम को बाहर निकाल दिया गया। वहीं नीरज का कहना है कि ना तो मैडम ने हमें रोका और ना ही आगाह किया कि यहाँ से चढ़ना अपराध है। बकौल नीरज ऐसा लग रहा था कि मैडम हमारे चढ़ने का इंतजार कर रही थी। अधिवक्ता चंद्रभान सिंह सिकरवार की माने तो कानून कहता है कि अगर किसी लोक सेवक के सामने अपराध हो रहा हो या अपराध होने की संभावना है तो उक्त लोक सेवक को उसे रोकना चाहिए। एक आदमी भी ये कर सकता है, ये मूल कर्तव्य की श्रेणी में आता है, लेकिन रेंजर ने ऐसा नहीं किया। हम कुछ नहीं कर रहे थे, खड़े हुए थे, अंदर भी नहीं गए। अंदर से पकड़ा भी, बाहर से पकड़ा हमको है ना, वही बाउंड्री के ऊपर से पकड़ लिया। झूठ बोलिए, बाउंड्री क्रॉस किए हुए अंदर से नहीं। फोटो नहीं, हम आपको जवाब देंगे। बिल्कुल क्या मिला सर इनके पास? अभी देखिए जब्ती क्या की फॉरेस्ट की नियम आपको मालूम है? नहीं मालूम है। आप कह रहे जब्ती होना अवैध तोड़ने की बात, दातून इन्होंने पकड़ लिया तो नहीं भाई। अंदर बाउंड्री के दातून है ना, आज क्या है, आज द्वार है, अपराध है। हमारे यहाँ व्यवस्था तो रहती नहीं किसी तरह की, ठीक है? तो जनरली हम थाने में ले जाते हैं। अगर थाने वाले लॉकअप में डाल दें तो थाने वाले से पूछना चाहिए कि बच्चे को लॉकअप में क्यों बिठा लिया आपने। थाने में पूछा आपने कि लॉकअप में डाल दिया? थाने में नहीं, हमने मुझे ये अंदर अंदर आपके लॉकअप थोड़ी है, अंदर लॉकअप नहीं है ये। एक भाई कहीं रखने की व्यवस्था होगी कि कहीं बिठा देंगे? कमरे में बंद कर दो ना। आरोपी है सर, अंदर लॉकअप है सर, उसमें सर बहुत बड़े आरोपी है, बहुत बड़े मिला इन पे सर। वो लॉकअप नहीं है सर, क्या है सर? वो भाई रखने की व्यवस्था है हमारे सर। तो उसमें क्या होता है, लॉकअप क्या होता है सर? लॉकअप अलग चीज होती है। क्या होता है लॉकअप की परिभाषा क्या है सर? लॉकअप की परिभाषा क्या है? देखो जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो लॉकअप में रखते हैं। इसको क्या अरेस्ट किया है? बिल्कुल पकड़ के लाए सर, वहां से डिटेंशन कहलाता है। दातुन की लकड़ी लेने गए थे। कौन गया था? लास्ट कार्रवाई हुई है। मैं और पापा। इतनी पापा को कहां कर दिया? लॉकअप में बंद। कौन ने कर दिया? मैडम ने। अंदर नहीं गए, मैडम की गाड़ी खड़ी थी, सब ये ने अभी बताया। और जैसे ही हम बाउंड्री पे चढ़े उन्होंने ड्राइवर ने और मैडम ने हमको पकड़ लिया। इतनी रिक्वेस्ट की, विनती की कि आप देख लीजिए, सर्च कीजिए, हमारा रिकॉर्ड कीजिए कि हम क्यों क्रिमिनल है क्या। फिर भी उन्होंने हमने नहीं मानी। आप पे तो जुर्माना लग के रहेगा और मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अच्छा जब आप बाउंड्री पे चढ़ रहे थे या वहाँ खड़े थे तब आपको बिल्कुल रोका टोका नहीं? किसी ने ऐसे लग रहा था जैसे वो मौके का इंतजार कर रहे थे कि एक साहब उनको पकड़ के लॉकअप के अंदर बंद कर दे। साहब साइकिल से मैं गया और बाउंड्री के पास खड़ा था, मैडम की गाड़ी भी खड़ी थी और हमें पता नहीं था कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। भैया भी थे, मैं भी था। और जैसे ही हम गाड़ी के पास 10 मिनट खड़े रहे नीचे बाउंड्री के बाहर तो मैडम ने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है? और जैसे ही हम बाउंड्री पर खड़े हुए तो मैडम और ड्राइवर दोनों झट आ गए, बोले आप अंदर चलिए।
अच्छा हाँ। उस वक्त जब वो आप उस बाउंड्री पे चढ़ रहे थे तब आपको किसी भी फॉरेस्ट कर्मचारी ने रोका? किसी ने नहीं बोला और ना किसी ने मना किया। आप किस लिए गए थे वहाँ? हम तो दांतों के लिए गए थे साहब, दांतों तोड़ने। सिर्फ दांतों तो दांतों लेने गए थे, आज व्रत है ना महिलाओं का, उसके लिए हम लेने आए थे सुबह। उसके लिए क्या मैडम ने हमको है ना बाहर से ही पकड़ लिया और वो हमने काफी रिक्वेस्ट की उनसे लेकिन उन्होंने नहीं माना। अगर आप पे जुर्माना लग के ही मानेगा आपके साथ, आप लोग ऐसे नहीं सुधरोगे। मेरे साथ एक बच्चा था वो भी रो रहा था, उसको भी अंदर किया था आज स्कूल जाना था, उसको स्कूल भी बंक हो गया। मैंने गांव में मैडम हमने कुछ नहीं किया, हमको जाने दो। एक भैया और भी थे हमारे साथ, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी लेकर सीधे हमें अंदर बंद कर दिया और मेरे बच्चों को बंद कर दिया। लॉकअप में कितने घंटे रखा? 2 से 2.5 घंटे हमको बंद रखा है लॉकअप के अंदर। बच्चे को बंद नहीं किया गया, सिर्फ उसके पिता को बंद किया गया पहली बात। और मामला अवैध प्रवेश का था, मैंने स्वयं उनको पकड़ा है अंदर से, बाउंड्री क्रॉस करने के बाद से पकड़ा है मैंने। क्या क्या मिला है उनके पास? उन अवैध प्रवेश खुद एक अपराध है, नेशनल पार्क है ये, रिजर्व कैटेगरी का फॉरेस्ट है, वो वहाँ एंट्री भी बंद है। मैडम वहाँ तो सोच करने तक के लिए लोग जाते हैं। यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चीज़ का। हम लोग हर जगह नहीं रोक सकते, आप लोग के थ्रू ही मैं ये बात कहना चाहती हूँ। बिल्कुल हमारा काम है, बिल्कुल हमारा काम है, मैं यही तो कह रही हूँ। सपोर्ट तो लोगों पब्लिक का ही चाहिए ना, मुझे भी अकेला व्यक्ति का कोई कटवाते मेरे को सबूत तो दीजिए, मैं कार्रवाई करवाती हूँ। अगर मेरे अंडर होगा तो मैं कार्रवाई करती। रखा गया है, लॉकअप है ही नहीं पहली बात तो। हम लोग का एक प्रक्रिया है ये, कहीं तो रखेंगे ना उसको, अब जैसे कहाँ हम लोग को उनको रख के केस वगैरह करें, इसलिए वो बस एक हमारी प्रक्रिया है। कितने घंटे ये तो मुझे पता नहीं, 2.5 घंटे का कहना है। 2.5 घंटे का कैसे कहना है भाई, टोटल पूरा अभी तक का हो गया होगा सब, वहाँ से लाने तक का 2.5 घंटा नहीं हुआ है।